इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा स्थानीय नेताओं के साथ आष्टा के ग्राम खाचरौत पहुंचे, जहां उन्होंने 22 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य को शुरू करवाने के लिए धरने पर बैठे ग्रामीण युवाओं की मांगों का समर्थन भी किया। धरने पर बैठे युवाओं का समर्थन करने पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस दौरान धरना स्थल से ही शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सड़क कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत कराई है और इसके साथ ही धामंदा से भावखेड़ी की सड़क भी स्वीकृत हुई है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक ठेकेदार से कमीशन नेताओं को मिल नहीं जाता, तब तक नेता सड़क का कार्य शुरू नहीं होने देते। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना क्योंकि मेरा तो आने जाने सड़क से रहा। मैंने सबसे पहले इस सड़क को, इसके साथ में एक सड़क और कौन सी टेंडर करी, भावखेड़ी वाली, धामंदा से भावखेड़ी वाली, वो भी हमारी सरकार बनी थी उस समय एक एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैक्टर पलटी खाया था सिद्दीकगंज में। वो सूचना हमारे पास आई, मैंने तत्काल 20-22 लाख रुपए, मैंने इसको तत्काल पहले जब तक टेंडर नहीं होता रिपेयर किया जाए और फिर पीडब्ल्यूडी से निकल के एनपीआरडीसी मध्य प्रदेश रोड विकास निगम में इस सड़क को मैंने मंजूर करा के टेंडर करा दिया, एजेंसी फिक्स हो गई। अभी सुनने वाली बात जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ वो सुनो। जब एक सड़क का टेंडर हो जाता है, ठेकेदार फिक्स हो जाता है, तो सड़क क्यों नहीं बनती, उसके पीछे के कारण सुन लो। कोई कितने भी बहानी बनाए, विधायक बनाए, यहाँ का सांसद बनाए, यहाँ के प्रभारी मंत्री, भगवान जाने है कि नहीं कोई, ये बनाए, लेकिन असली पर्दे के पीछे की कहानी बड़ी विचित्र है। जब तक ठेकेदार से कमीशन नेताजी लोगों को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक सड़क का काम नेताजी लोग चालू नहीं होंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि कब तक सरकार युवाओं की आवाज सुन पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आष्टा।